हेलो एवरीवन, सीजीपीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, अब मैं जो है डेली आपको करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ में जो भी करंट अफेयर होगा उसकी जानकारी आपको डेली के डेली देते रहूँगा, जिससे हमारा सीजी वेपम, सीजीपीएससी, सीजी पुलिस में जो एसआई की भर्ती होने वाला है, उसका जो टेस्ट होने वाला है एग्ज़ाम, उसका हम प्रिपरेशन कर लेंगे इस करंट अफेयर के माध्यम से। पीयून एडियो जो भी आएगा, हम डेली के डेली करंट अफेयर को मैं आपको जो है मेरे चैनल पर बताते रहूँगा। तो देखिए, मेरे चैनल में सभी चीज़ में आपको, आपका कैसे फॉर्म को भरना है, कब कब क्या टेस्ट हो रहा है, संडे संडे जो टेस्ट होता है उसका इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। साथ ही साथ अब हम जो है करंट अफेयर भी इसमें कवर करेंगे। देखिए, अभी जो है 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर हैं उसके बारे में डेप्थ में हम देखेंगे कि क्या क्या था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इससे आपका प्रिपरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। तो एमसीक्यू इसमें रहेगा, एमसीक्यू तभी इसमें क्या है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एमसीक्यू हम जो है बाद में करेंगे, इसमें लिखा एमसीक्यू, लेकिन जो इसका इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, इसका जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल जो मेरा बना हुआ है सीजीपीएससी एकेडमी का, उसमें मैं शेयर करूंगा, तो जाके उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये है चैनल, देख लीजिए। तो चैनल ये बना हुआ है, आप इसमें जो है ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका जो 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 भी जानकारी है मैं आपको इसमें पूरा पीडीएफ में बताते रहूँगा, या आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप जो है इसमें भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर क्या दिया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो भी पब्लिश 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच हुआ है, वो पूरा वीडियो को देखते रहना। आज मैं 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में जो करंट हुआ है वो बताऊंगा, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच का बताऊंगा, उसके बाद में 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जो भी हुआ वो पूरा हम इसमें डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ते हैं, पहला 2 जुलाई के बीच में जो भी जानकारी हमको जो निकला है वो पढ़ते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन लाइन से जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक चीज़ बहुत स्लो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनसंपर्क विभाग के आप वेबसाइट या आप टेलीग्राम चैनल या ट्विटर, जिसमें भी आप जो है अगर आप उसने फॉलो करके रखें तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन पूरी जानकारी आप मेरे चैनल पर देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है किसानों को फसल बीमा राशि, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है एक ऊपर ऊपर बता देता हूँ, किसानों को फसल बीमा के लिए जो भुगतान करने के लिए जो बीमा फसल जो भुगतान होता है उसमें देश छत्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। तो टोटल कितने किसानों को जो है भुगतान हुआ है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 2021-22 में कि राज्य के 5.6 लाख किसानों को लगभग 1063 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। तो ये जो जानकारी है रविंद्र चौबे जी ने जो है प्रदेश में फसल बीमा जागरूकता सभा सप्ताह का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो अभी जो है करंट में अगर आपने रविंद्र चौबे जी का देखा होगा तो देखिए टी सिंहदेव जी ने जो है अपना क्या चीज़ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दिया, तो जो नए ग्रामीण जो विकास विभाग का नया जो बने हैं वो है रविंद्र चौबे जी। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग का नया कौन मंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं, याद रखना रविंद्र चौबे जी। तो ये क्वेश्चन इसमें बताने का यही था कि रविंद्र चौबे जी ने नया जो है पदभार इसको ग्रहण किया है, उसका बाकी जो कृषि मंत्री सभी तो था, साथ ही साथ में ये नया ऐड हुआ है। तो जो 2 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है यहां से, देखिए पहला क्या था, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पे क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ते जाएंगे क्या क्या चीज है। तो भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ भी बना सकते हैं कि पूरे भारत में कब जो है इसको प्रतिबंध किया गया, तो यह है 1 जुलाई 2022 को पूरे भारत में प्रतिबंध कर दिया गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि मार्च 2022 में UNEP के नैरोबी वार्ता के अनुसार 175 देशों की सहमति के साथ में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मार्च 2022 में UNEP, ये जो आपने जो टेस्ट सीरीज दिया वो उसमें ये बार बार क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो कितने देशों की सहमति था, तो ये है 175 ये क्वेश्चन यही दिया गया था कि कितने देशों की सहमति के साथ इसको जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था, 175 देशों के साथ में ये हुआ था। भारत इसका सहमतिकर्ता देश है। देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, समुद्र में प्रवेश करने वाली 80% से अधिक प्लास्टिक को समाप्त करना 2040 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इससे बचत कितनी होगी, $700 बिलियन की होगी बचत। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के 25% उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम किया जाएगा। इससे क्या है, रोजगार भी उपलब्ध होंगे, लगभग 70,000 जो अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो है इस यह प्रतिबंध को कानूनी रूप से लागू करने के लिए जोर भी दिया जा रहा है। ये तो मुख्य बिंदु था। इसके साथ में कुछ जो है समझौते भी हुए थे, वैश्विक समझौते, वो कब हुआ था, एक लंदन में कन्वेंशन 1972 में हुआ था समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। दूसरा था मारपुल कन्वेंशन 1978, वाणिज्यिक जहाज़ों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम एवं दंड अधिकार देती है। ठीक है,
तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार स्पोर्ट्स से जितने भी ये जो जानकारी है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ना कुछ विडम्बन का दिया रहता है, यूएसए ओपन ये सभी चीज का दिया जाता है। तो ये कब होता है? जुलाई अगस्त में आयोजित की जाती है। अभी जो जस्ट अभी जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी का जो हमें उड़ान अकेडमी में देता हूँ, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि ये कब प्रारंभ किया गया था और कहाँ से प्रारंभ किया। तो वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रारंभ विडम्बन प्रारंभ किया गया था 1877। बार बार क्वेश्चन दिया जाता है, अभी करेंट का भी दे देते हैं, लेकिन इसको जो स्टार्टिंग कब से वो दे देता है, तो 1877 को याद रखना है। अमेरिका में आयोजित किया जाता है ये, जो अमेरिका में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कोर्ट इसका आयोजन, हाँ यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। ये कब कब मतलब कि प्रतिवर्ष कब होता है? जुलाई अगस्त में होता है। फर्स्ट पॉइंट ये कब प्रारंभ किया गया था? 1877 में अमेरिका में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये किस में खेला जाता है इसको? तो ये होता है इसका ग्रास कोर्ट में होता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट में होता है। यह टेनिस के खेल की सबसे प्राचीनतम प्रतियोगिता होती है, टेनिस का ही है। ठीक है, ग्रास कोर्ट इंपॉर्टेंट नाम दे दिया जाता है, और सामने इसको जो टिक लगाओ बोलते हैं, तो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ये आयोजित सभी टेनिस प्रतियोगिता में सर्वाधिक धनराशि प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसे ग्रैंड स्लैम के नाम से, देखो हम ग्रैंड स्लैम जो पढ़ते हैं ना, तो यही है ग्रैंड स्लैम विजेता। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी है, 2021 के विजेता कौन कौन है? पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच था, और एसली बर्टी थी महिला वर्ग की। तो क्वेश्चन बार बार दे देते हैं कि 2021 के विंबलडन जो हुआ था वो कौन है। अभी जो है जुलाई अगस्त चल रहा है, तो अभी जुलाई का करंट फिर चल रहा होगा, ये पुराना है, तो आपको दोनों को एक साथ में करंट को संभाल के रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है? केंद्रीय वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री द्वारा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन से मंत्रालय द्वारा? तो सबसे पहला यही आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में राज्यों को चार श्रेणी में विभाजित करते हैं, मुख्य बिंदु है। छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्य की द्वितीय स्थान है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को आकांक्षी राज्य की श्रेणी में। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग आता है कि अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ की आकांक्षी राज्य की श्रेणी में कौन सी स्थान है, तो द्वितीय स्थान, बट आकांक्षी राज्य की श्रेणी में असम प्रथम स्थान रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, पूरे भारत मतलब पूरे भारत के वो में पूछेगा कि आकांक्षी राज्य की श्रेणी में प्रथम कौन सा है, असम, दूसरा कौन सा हमारा छत्तीसगढ़। कुछ कुछ और इसमें हुआ है वो देख लेते हैं, राज्य में क्या क्या सुधार हुआ है। उद्यम खिड़की सिंगल विंडो के माध्यम से दस्तावेजों की मसीह, प्लास्टिक नीति ला रहे हैं, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, नई प्रौद्योगिकी। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार ये भी दिया जाता है कि नई औद्योगिक नीति क्या है, तो आपको सन को याद रखना, इधर दे देता है नई औद्योगिक नीति और इधर को आपको जमाना रहता है, अलग अलग सन देते हैं, 2019 से लेकर 2024 तक चलेगा नई औद्योगिक नीति। साथ ही साथ 200 फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, और गौठानों को खरल इंडस्ट्री में बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचनांक, ये भी बार बार दिया जाता है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचनांक 2022 में ये कौन जो है इसको मतलब कि ऑर्गेनाइज करता है, तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, जो स्विट्जरलैंड शामिल देश 63 है, ये अभी स्विट्जरलैंड को भी शामिल किया जो 63वां देश बना है, विश्व प्रतिस्पर्धा में अभी तक ये शामिल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण कौन सा बन सकता है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचनांक में स्विट्जरलैंड को भी शामिल किया गया जो 63वां देश बना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचनांक में भारत की रैंकिंग क्या आई है, तो भारत की रैंकिंग 37 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान में सुधार आया हुआ है। तो यहां से अगर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है ये देखते हैं। फर्स्ट डेनमार्क आया है, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा सिंगापुर। 2021 में हमारी रैंक आई थी 43। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो चीज याद रखना है इसमें, प्रथम तो नहीं, देखो छत्तीसगढ़ के उसमें क्वेश्चन आता है, तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचनांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है 2022 में, साफ साफ लिख देता है, तो 2022 में भी कौन सा है, 37 स्थान है। अगर 21 लिख देता है तो आपको 43, अगर ये याद रहे ना 6 स्थान सुधार, तो आप ये पुराना भी आपको याद हो जाएगा, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे का करंट अफेयर 2 जुलाई का खत्म हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन CGPSC के अभी जो मैं पेपर देता हूँ उसमें बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बहुत सारे जो है कुछ कुछ कोडिंग टाइप का ऐसा बनाए थे, आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये बार बार कोडिंग टाइप का ऐसा बना रहते, तो पहली बार देखा तो समझ ही नहीं आया क्योंकि पढ़ा नहीं था कि ये किससे संबंधित है, पूछ देता है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के यहाँ पे देखते हैं, सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ के अनुसार यदि सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन कर देने से केवल 20% कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी बोल रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन कब कब क्या प्रारंभ किया गया, कौन कौन सा अभी जो है चालू करना है इसके बारे में बताया गया। फेम मिशन क्वेश्चन पूछा जाता है, फेम मिशन क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि फेम मिशन क्या चीज़ है और क्या क्या इससे होने वाला है। तो फेम मिशन 2015 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसका विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है 2022 तक 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करना है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, फेम मिशन किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन से संबंधित है। 2022 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़। फेम 2.0 वर्ष 2022 में इसको पुनः प्रारंभ किया गया था, जिसमें 1 करोड़ वाहनों को पुनः निर्माण किया गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी भी मिलेगा, निर्माण हेतु सब्सिडी दिया गया। अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ईवी F-30, F-30 क्या चीज़ है, क्या है, तो ये सरकार की ई वाहन नीति के तहत घोषित किया गया है, जिसमें 2023 तक कुल वाहनों को 30% वाहन को ई वाहन में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया। तो आपको इसको बार बार याद रखना है, ईवी अगर कहीं भी देखता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाहन माइंड में याद होना है कि 2023 तक 30% वाहन को ई वाहन में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, सोलर बाइक का को निर्माण हेतु सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। इसरो ने ई वाहनों को विकसित करने के लिए लिथियम, अभी जो है नितिन गडकरी का आप जो है अगर न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें साफ साफ बताते हैं कि हम जो है लिथियम आयरन बैटरी का उपयोग को मंजूरी दिए हैं। तो इसरो ने ई वाहनों का विकास हेतु लिथियम बैटरी का मंजूरी दिया है। कुछ और क्या है, समस्या क्या आ रही है कि जो लिथियम है सबसे हल्का धातु होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की सबसे दर अधिक होती है। तो देखिए हम साइंस में पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाता है, इसे आसानी से जहरीले एसिड में परिवर्तित हो जाता है, भूमिगत, इसे ये जो समस्याएं हैं जो इसको ये लोग सुधार रहे हैं, भूमिगत जल प्रदूषण होता है, वर्तमान में जमीन में निस्तारण से जल में संपर्क में आने से आग लगने की घटना, जो आग लग रही है ना ये इसी के कारण होती है, जल के संपर्क में आने से बहुत जल्दी जो है आग लगने, इसीलिए ये सबको सुधार के इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अच्छा कर रहे हैं। अब देखते हैं आकांक्षी जिलाएं, छत्तीसगढ़ का बहुत बार आकांक्षी जिलाओं, कितने जो राज्य इसमें मतलब कितने राज्य थे, कितने इसका क्या स्थान है वो देखते हैं। ये आकांक्षी जिला रिपोर्ट जो है नीति आयोग के तहत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के लिए आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया जाता है। तो महत्व बिंदु देखते हैं, ये जो है आकांक्षी जिला रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट कोंडा, ये बार बार पूछा गया है कांची जिला रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में कोंडा गांव जिला का कौन सा स्थान रहा है, तो पूछा जाता है तो कोंडा गांव का 4th स्थान रखा गया। मूलभूत ढांचे के निर्माण हेतु राज्य के कांकेर को प्रथम स्थान और बीजापुर को द्वितीय स्थान रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में बोलेगा तो कोंडा गांव का नाम याद रखना है 4th स्थान। मूलभूत ढांचे के निर्माण हेतु बोला है तो जो मूलभूत ढांचा जो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा था उसके मूल ढांचे के लिए कांकेर जिला प्रथम और द्वितीय बीजापुर। और यह भी दिया जाता है कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव को 4th स्थान प्रदान है। तो आकांक्षी जिला का क्वेश्चन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में 4th स्थान कोंडागांव जिला, ढांचे के निर्माण में बीजापुर कांकेर और बीजापुर है, और कृषि एवं जल संसाधन के लिए राजनांदगांव जो है 4th स्थान पे है। अब पूछा जाती है कब प्रारंभ किया गया, तो जनवरी 2018 से प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ जो अल्प विकसित जिले हैं उसको उसके विकास के बढ़ाने के लिए रखा गया है। तो पूरे देश में अभी भी अल्प विकसित टोटल 112 जिले इसमें शामिल है, तो आकांक्षी जिले में कितने वो है शामिल हैं तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से प्रत्येक माह रैंकिंग जारी किया जाता है, ये पूरा आपको जानकारी इसमें दिया गया है। इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था, सबका साथ सबका विकास सबका सबके विश्वास को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। कुल 49 संकेतों 5 वृहद क्षेत्र जिसमें आपका स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि इसी क्षेत्र में शामिल है। हम देखें ना कि हमको जो देखे कृषि जल संसाधन ढांचे का निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, वृहद क्षेत्र है बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या आता है, हाल में इसे मथुरा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। तो सब ये आप जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर देंगे, छत्तीसगढ़ ही नहीं बाहर का भी कोई भी एग्जाम होगा उसमें सबसे ग्रीन हाइड्रोजन का, तो पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया, तो मथुरा में। तो हमने यहाँ पे हाल में ये तो ये प्रोजेक्ट को मथुरा में प्रारंभ किया गया था, देख लिए ग्रीन हाइड्रोजन को, क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन वो देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है जल से H2
और O2 को पृथक करके हाइड्रोजन बनाया जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, H2 और O2 को पृथक किया जाता है, हाइड्रोजन जल और H2 को। ठीक है, तो अब इस ऊर्जा का निष्कर्षण क्या होता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण की उपस्थिति में दहन से निर्मित जल उत्पादन व ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जो भविष्य में ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आ सकता है, आप बिल्कुल जो है इसका PDF दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। H2O के क्या क्या प्रकार होते हैं ये पूरा दिया हुआ है। अब इसमें भारत सरकार का क्या क्या प्रयास है वो देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 2006 से जो हाइड्रोजन ईंधन के विकास हेतु, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन जो ईंधन का विकास हेतु जो बोर्ड का गठन किया कब, तो याद रखना है कि सरकार द्वारा 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हाल में ही नीति आयोग ने रोड मैप तैयार किया जिसके तहत हाइड्रोजन के उत्पादन को 2050 तक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नीति आयोग ने रोड, यही क्वेश्चन दिया गया था कि जो नीति आयोग द्वारा जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है हाइड्रोजन के उत्पादन को कितना गुना करने का निर्णय लिया, तो 4 गुना दिया था बहुत सारा, और कब तक दिया, तो 2050 तक 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत विनिर्माण क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखिए 2025 जून से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली कंपनी को 25 वर्ष के लिए निःशुल्क ट्रांसमिशन सुविधा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखिए छत्तीसगढ़ सॉरी भारत की हिस्ट्री में हमने देखा था रंपा विद्रोह का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को सीताराम राज की जयंती मनाई गई, 4 जुलाई को सीताराम राज की जयंती मनाई गई, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 30 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा बनाया गया है। इन्हें अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, अलूरी नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे रंपा विद्रोह का कुछ अभी करंट अफेयर्स से संबंधित दे दिया जाएगा कि किस जयंती के दौरान जो प्रधानमंत्री ने कहाँ पे 30 फीट ऊंची जो है कांस्य की प्रतिमा बनी, ये भी दे सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश याद रखना है, किसके द्वारा ये जो है अनावरण किया गया, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। अन्य नाम भी दे देगा अलूरी, या अलूरी क्या चीज़ से संबंधित है वो दे देगा। रंपा विद्रोह जो है सन 1922 से लेकर 1924 तक के प्रसिद्ध विद्रोह रहा है, जिसे हम मन्यम विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और क्या है, इस क्षेत्र में ब्रिटिश राज्य के साम्राज्य का अंत करके आदिवासी समुदाय को अधिकार दिलाना था, उद्देश्य यही था रंपा विद्रोह का। और बाकी जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो है आप पढ़ सकते हैं, मैं इसमें दे दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन यही दे देगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन कब किया गया और कहाँ किया गया। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसका आयोजन जो है 7 जुलाई को किया गया, कहाँ, तो भारत के कोच्ची में आयोजित किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि जो कोलंबो सिक्योरिटी का जो आयोजन हुआ गया था वो 7 जुलाई को भारत के कोच्ची में आयोजित किया गया था, तो ये पीक में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके सदस्य कौन कौन हैं ये भी दे सकते हैं। तो 4 सदस्य हैं, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और एक है मॉरिशस। तो 4 देश जो हैं इसमें सदस्य बने हुए हैं, पर्यवेक्षक देश में बांग्लादेश और सेल्सन है, और इसमें सचिवालय कहाँ है, श्रीलंका के कोलंबो में है। इसको प्रारंभ कब किया गया था, 2011 में भारत मालदीव श्रीलंका के द्वारा 3 देशों ने मिलकर इसको किया था। अभी साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, अभी स्टार्टिंग जब इसको प्रारंभ किया गया था ना, तो उस समय जो है 2011 में 3 देश थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ये पूछ सकता है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अभी करंट 2022 में कौन सा देश जो है इसमें ज्वाइन हुआ, तो मॉरिशस 2022 में ही मॉरिशस भी इसका सदस्य बना। यह भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति को मान्यता करता है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ से उद्देश्य पढ़ सकते हैं। INS कोलकाता क्या है, INS तो ये देखेंगे, INS हाल में ही INS कोलकाता ने सेल्सियस के स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया। क्या है ये चीज़, तो हम ये देखेंगे क्या चीज़ है, ये भारतीय नौसेना का स्टेल्थ गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। तो क्वेश्चन दे सकता है INS कुछ को कहाँ जो है वो किया गया था करके। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़, और देखिए ये समुद्री डकैती विरोधी की गश्त के हिस्से के रूप में 4 से 7 मई तक इसका दौरा किया, जिबूती का दौरा किया गया, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बरेल वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकता है कि बरेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो बार बार इसको लिख के रख लीजिए, ये असम में स्थित है, ठीक है, ये असम में स्थित है। बरेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, असम में,
साथ ही साथ हाल में एक रेलवे लाइन और सड़क निर्माण की भी मंजूरी की चर्चा में है। ये यहाँ जो है सदाबहार अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। और भारत का एकमात्र कपिल हुबल गिबन पाया जाता है। तो आपको देगा बैरल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो असम क्षेत्र में है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ धान खरीदी। छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन यहाँ से एक ना क्वेश्चन देता ही है कुछ ना कुछ, कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी का कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने किसानों ने जो है पंजीकृत किया गया है, कहाँ सबसे ज़्यादा जो है खरीदा, वो पूरा जानकारी देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हाल में मंत्रिमंडल ने 110 लाख मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है 2022 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि कितने धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया, तो 110 लाख मीट्रिक टन ये याद रखना है, ठीक है, मीट्रिक टन। 2021 में सिर्फ 105 मीट्रिक धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके एवज में सिर्फ 98 लाख धान खरीदी का कार्य किया। देखो होता क्या है, इन्होंने लक्ष्य रखा कि हम 110 खरीदेंगे 2021 में, अभी तो करेंट का 2022 में धान खरीदी कर रहा है, ठीक है। 2021 में बताता हूँ, 2021 में 105 मीट्रिक जो है लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सिर्फ 98 ही धान खरीदी का कार्य किया गया। इसमें कितने विपणनों की स्थापना की गई थी, तो टोटल विपणनों की संख्या रखी गई थी 2484। तो क्वेश्चन पूछ सकता है धान खरीदी के लिए कितने विपणन केंद्रों की स्थापना की गई थी, 2484। सर्वाधिक धान खरीदी वाला जिला कौन सा है ये पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक धान खरीदी राजनांदगांव में हुआ था, जांजगीर चांपा और महासमुंद। आप ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली वन टू वन नहीं देता, आपको जो है तीन चार बना देता है, पूरा यूपीएससी पैटर्न डाल दिया इन्होंने, और आपको ऐसा चॉइस दे देगा कि इसमें से धान खरीदी सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में, महासमुंद में और जांजगीर चांपा में। सबसे कम हुआ था दंतेवाड़ा में, यह क्रम से जमाव बोल देता है, ये भी दिया रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया था कि कितने 2000 कृषकों ने जो है पंजीकृत किए थे, तो टोटल पंजीकृत है 22.87 लाख किसानों ने जो है पंजीकृत किया था 2021-22 में। 2500 रुपये में धान खरीदी किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी बार बार देता है कि धान सामान्य धान का रेट क्या है, वो एक रेट, तो 2020-21-22 में सामान्य धान खरीदी जो है वो 1940 में किया गया, और जो ए ग्रेड है सिर्फ 20 रुपये एक्स्ट्रा है, 1960 रुपये में किया गया। तो ये याद रखना है सामान्य का है और ये एक ग्रेड का है। सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक धान छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। 60, देखो पीछे कई बार जो है 80 था, अभी 60 मीट्रिक टन धान खरीदा जाता है, ठीक है। तो धान खरीदी के मूल्य के वृद्धि पर विचार किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से बार बार ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ से गौठान खरल इंडस्ट्री पार्क, गौठान जो है खरल इंडस्ट्री पार्क, ये भी क्वेश्चन आप जो है पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि खरल इंडस्ट्री पार्क से किससे संबंधित है, तो गौठानों से संबंधित है। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के तहत जो है खरल इंडस्ट्री पार्क की स्थापना की जा रही है। टोटल गौठानों की संख्या कितनी है, तो ये भी पूछा जाता है, जिसमें रायगढ़, देखो सबसे ज़्यादा जो टोटल अगर गौठानों की जो सलंबी घोषित किया गया 3089, रायगढ़ में सबसे ज़्यादा गौठान है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको बार बार याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो गौठानों की संख्या रायगढ़ में 279 गौठान शामिल हैं। इस गौठानों का काम क्या होता है, पशु की देखभाल करना, टीकाकरण करना और खाद्यान्न पेयजल की व्यवस्था करना होता है। इसी के साथ में हमारा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा इसके लिए बार बार मिला जाता है, गोधन न्याय योजना सबसे ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में गोधन न्याय योजना जो है फेमस हो चुका है। इसके तहत जो गौठानों को गोबर क्रय करने के लिए अधिकृत किया गया, गोबर के निर्धारित शुल्क 2 रुपये रखा गया है। अब जो है साथ ही साथ जो है सरकार ने हरेली त्यौहार के दिन जो है गौमूत्र 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदने की घोषणा की है, 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। अभी गाय का गोबर बिक रहा था, अब गौमूत्र भी बिकेगा। ये क्यों खरीद रहे हैं गोबर को, ताकि इससे हम वर्मी कंपोस्टिंग खाद बना के उसको बेच सके। कितने में बेच रहे हैं, 10 रुपये में, ठीक है। इससे बहुत सारे और चीज़ उत्पादन किया जाता है, जैसे कास्ट, पुट्टी, प्राकृतिक पेंट। इस गौठानों में विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जैसे बेमित्रा में, राखी, सिकोला, दुर्ग, बेचौली में, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने वाला कौन है, नीति आयोग जारी करता है। जो देश में 21% की आबादी गरीबी रेखा, देखो भारत देश में 21% के नीचे, पूरे गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, ये जानकारी यही प्रोवाइड करता है। देश में सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों देशों में हमारा छत्तीसगढ़ में कितने गरीबी है ये देख लीजिए, 39% छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 37% झारखंड में। सबसे कम गरीबी अगर हमको देखने को मिलता है, तो गरीबी
कम गरीबी जो है, सॉरी सबसे कम गरीबी कहाँ है, अंडमान निकोबार में 1% से भी कम गरीबी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में 39% गरीबी है। लक्ष्य क्या रखा गया है, नीति आयोग ने गरीबी जनसंख्या को 10% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु अभी भी 21 राज्य जो है अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ठीक है, केंद्र सरकार जो ये सब चीज़ लक्ष्य बनाती है कि आप 10% से कम गरीबी रखिए, हमारा अभी राज्य बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, बेरोजगारी दर, ये सिम्स CIMS द्वारा जो है बेरोजगारी दर जो है जारी किया जाता है, ये भारत का है। तो भारत का अगर बेरोजगारी दर अगर देखा जाए तो सिम्स का है 7.8% भारत की बेरोजगारी दर, सर्वाधिक बेरोजगारी दर बोल रहा है हरियाणा, राजस्थान और असम में है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में उपार्जन क्या है, राज्य में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दलहन फसलों को न्यूनतम समर्थन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022-23 में कौन से खरीफ फसलों को खरीदने का न्यूनतम मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया, तो दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दलहन में क्या आते हैं, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी का उपार्जन करेगा जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करते हैं। खरीद लक्ष्य रखा गया 110 मीट्रिक धान के लक्ष्य रखा गया है, इसके अतिरिक्त मक्का को भी MSP में किया जा रहा है। यहाँ से बार बार आपने पढ़ा होगा कोदो कुटकी को भी खरीद रहे हैं, कोदो कुटकी को 3000 में खरीदें और रागी को 3370 रुपये में प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का ये लोग सरकार द्वारा जो है किया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम क्या है, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में, तो क्वेश्चन सीधा सीधा दिया जाता है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का प्रारंभ कहाँ किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो वाराणसी में इसका प्रारंभ किया गया। आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अंतराल विद्यालय अनुदान है, आयोग तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें जो नई शिक्षा नीति जो है उसके संदर्भ में सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए है। ठीक है, बाकी और दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट, अभी जो है पेशा एक्ट जो है लागू किया गया छत्तीसगढ़ में, तो पूरा बता सकता है कब, देखो इसको बार बार हम जो है छत्तीसगढ़ के जब हम पढ़ते हैं पंचायती राज, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा पेशा एक्ट के बारे में पढ़ा था, ये भी जो है छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट लागू किया गया है। तो कब लागू किया गया, छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को पेशा एक्ट को प्रारंभ किया गया, छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में इसको लागू करने के लिए नियम मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसको कब प्रारंभ, देखो कब छत्तीसगढ़ मतलब कि जो पेशा एक्ट कब प्रारंभ किया, ये अधिनियम बनना 1996 से देश में लागू किया गया पेशा एक्ट को। ठीक है, ये पेशा एक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ लागू है वो देखते हैं। इसको प्रभावी बनाने तो राज्यों को ये अधिकार मिलता है कि वह नियम बनाकर इसे लागू करे। केवल अभी वर्तमान में पूछ सकता है कि पेशा एक्ट अभी वर्तमान में कितने राज्य में लागू है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा, अभी छत्तीसगढ़ को छोड़कर 6 राज्यों में पेशा एक्ट लागू है, जैसे छत्तीसगढ़ में ये प्रभावी हो जाएगा तो टोटल पूरे देश में 7 राज्यों में पेशा एक्ट लागू हो जाएगा। क्या होता है ये देखते हैं, ये जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लागू किया जाता है, पंचायतों के सभी पद जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे खनन, रेत खनन आदि जो है ग्राम सभाओं से अनुमति लिया जाता है, तभी जब तक ग्राम सभा से अनुमति नहीं लेंगे तब तक जो खनन क्षेत्र नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बैठक की अध्यक्ष जो होगा वही उपस्थित लोगों से चुना जाएगा, ये पेशा एक्ट के तहत है। और आपने गणपूर्ति देखा होगा, ग्राम सभा में 1/3 की गणपूर्ति किया जाता है, ग्राम पंचायत में 1/2। तो आपको मुख्य खनिजों के उत्खनन उपयोग के लिए आपको प्रबंधन तो ग्राम सभाओं की सहमति बहुत जरूरी कर दिया गया है। फिर तो जो है 8 जुलाई तक जो है ये करंट अफेयर इतना जो है हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, जाइए डिस्क्रिप्शन पे ले दिया हो या ऊपर आई बटन में, तो नेक्स्ट आपको 8 जुलाई के बाद का करंट अफेयर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल को रिफर कीजिए। मैं पुराना 1 हफ्ते जो 1-15 दिन हो गया पूरा कवर अप कर रहा हूँ, फिर डेली के डेली हम करंट अफेयर चलते रहेंगे।